हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो अपडेट आई हैं, सभी जो अपडेट हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो पहली अपडेट जो आई है वो ईपीएफओ के तहत आई है। यहाँ पे पेंशन उपभोक्ताओं के लिए जो है ईज ऑफ लिविंग जो है सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत जो है पेंशन उपभोक्ताओं को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो देखिए, यहाँ पे जो सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन दावों का जो है ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट सदस्य पोर्टल से जो है उमंग ऐप के माध्यम से भी जो है आप पेंशन दावों का ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यहाँ पे जो है पेंशन पासबुक का ऑनलाइन जो है आप देख सकते हैं। उसके तहत तीसरी जो सर्विसेज मिलती हैं, डिजी लॉकर से जो है पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तो ये सब सर्विसेज जो है आपको यहाँ पे मिलती हैं पीएफओ के तहत जो है, यहाँ पे पेंशन उपभोक्ताओं के लिए ईज ऑफ लिविंग के तहत जो है सारी सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो दूसरे अपडेट यहाँ पे जो आई है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से यहाँ आई है। देखिए, यहाँ पे नाइलेट फैसिलिटी सेंटर जो है आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रही हैं। अगर आप नाइलेट का जो है फैसिलेशन सेंटर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली स्पेशल ऑफर चल रहा है। 1200 रुपये में जो है आप यहाँ पे नाइलेट का जो है फैसिलेशन सेंटर जो है आप खोल सकते हैं। ऑफर ओनली फॉर जो है ये 20,000 सीएससी सेंटर के लिए जो है यहाँ पे ऑफर चलाई जा रही है। सीएससी एकेडमी सेंटर विल बी प्रिफेयर्ड। अगर आपका सीएससी एकेडमी सेंटर है तो आपको यहाँ पे प्रिफ्रेंस दी जाएंगी। और यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन और VLE फैकल्टी क्वालिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पे VLE और फैकल्टी का जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो नाइलेट के तहत CCC डिग्री या वो लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल क्वालिफायर होना चाहिए। या अगर आपके पास MCA, MSc, कंप्यूटर साइंस, BTech, BCA, PGDCA डिग्री है, आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो है डिजिटल सेवा डॉट CSE.GOV.IN पे जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे VLE मस्ट बी रजिस्टर्ड एटलीस्ट 5 कैंडिडेट इन नाइलेट BCC CCC बिफोर 31 मार्च 2023। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 5 कैंडिडेट को जो है रजिस्ट्रेशन करना है 31 मार्च 2023 तक। स्टेटस ऑफ ओनली दोज CSC विल बी कंटिन्यू फॉर 3 ईयर विच मीट दिस क्रिटेरिया। तो अगर आप जो है इस क्रिटेरिया को मैच करते हो तो 3 ईयर का जो है आपको यहाँ पे कंटिन्यू जो है सर्विस आपको मिलेंगी। VLE कंटिन्यू टू रजिस्टर एटलीस्ट 5 कैंडिडेट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे जो है 5 कैंडिडेट को जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको पर ईयर करना है, तभी आपको जो है आगे का जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो रिन्यू की जाएगी। चलिए बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तो तीसरी अपडेट जो है यहाँ पे जो है नीतीश सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है बजट 2023-24 के बारे में डिटेल्स जानकारी दी गई है। यहाँ पे भविष्य की खुशहाली का पिटारा जो है खोला गया है। देखिए, यहाँ पे बालिका साइकिल योजना के लिए जो है 50,000 करोड़ जो है यहाँ पे स्वीकृत की गई है। पोशाक योजना के लिए 100 करोड़ जो है यहाँ पे की गई है। कन्या उत्थान के लिए 400 करोड़ जो है जारी की गई है। तो ये जो है बजट 2023-24 के तहत जो है यहाँ पे जो है पिटारा खोला गया है। इसी के बारे में डिटेल से यहाँ पे जानकारी दी गई है कि बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ जो है यहाँ पे मिलेंगी, पोशाक के लिए 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होंगी और कन्या उत्थान के लिए 400 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट जो है यहाँ पे CSE ग्रामीण ई स्टोर के तहत जो है यहाँ पे 6 सीटर जो 6 टी शर्ट जो है आपको समर ब्रिज कलेक्शन के तहत यहाँ पे 6 टी शर्ट जो है आपको मात्र जो है 999 रुपये में जो है आपको CSE ग्रामीण ई स्टोर पे मिल रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पे जो ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो 6 टी शर्ट जो है मात्र आपको 900 रुपये 999 रुपये में मिल रहे हैं। तो इस ऑफर का आप लोग जो है जरूर लाभ लीजिए। टी शर्ट जो है टोटली कॉटन है, आप देख सकते हैं। इसका कलर जो है आपको व्हाइट में मिल जाता है, स्काई ब्लू, यहाँ पे रेड, ब्लैक, येलो, इस तरह का जो है आपको 6 टी शर्ट जो है यहाँ पे इसका MRP जो है 1500 रुपये है, मगर स्पेशल ऑफर के तहत जो है ये 6 टी शर्ट जो है आपको मात्र 999 रुपये में जो है CSE ग्रामीण ई स्टोर पे मिल रहे हैं। तो इस ऑफर का आप जरूर लाभ लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट जो आई है बिहार बिजली विभाग के द्वारा आई है। देखिए, अगर आप समय से जो है बिजली का भुगतान करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे रिबेट दी जाती है।
अगर आपका नेक्स्ट बिल जो बनता है तो उसमें 2.5% जो है आपका लेस जो है बिल जो है आपको लेस हो जाती है अगर आप समय से जो है बिजली बिल का भुगतान करते हैं। अगर आप जो है लेट बिजली का बिल भरते हैं तो उसमें आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी जो है आपको लगती है। तो अगर आप लेट फाइन से बचना चाहते हैं तो बिजली का भुगतान जो है ससमय करें ताकि आपको जो है 2.5% का जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलती है वो आपको मिले। तो ससमय जो है आप बिजली का भुगतान जरूर कर दें और इस ऑफर का आप लाभ लें। यहाँ पे आपको 2.5% जो है आपको कमीशन मिलता है, मतलब जब बिल बनती है तो उसमें 2.5% लेस हो जाती है अगर आप ससमय जो है बिजली का भुगतान करते हैं। अगर आप ससमय नहीं करते हैं तो उसको आपको पेनल्टी भी देने पड़ते हैं। जो पेनल्टी रेशियो है उसका हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं कि अगर आपका जो है पेनल्टी कितना इसमें जो है इंटरेस्ट रेट जो होती हैं वो लगती हैं, सारी डिटेल्स वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी हैं। हमारा प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बना हुआ है, वहाँ पे बिजली विभाग से रिलेटेड जो है आप वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मस्ट इंपॉर्टेंट 5 अपडेट जो हमने इस वीडियो में कवर की है। आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।